वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबके पास बहुत ऐसी साड़ीज मिल जाएंगी जो हम 3-4 बार पहनकर और उन्हें रख देते हैं, उनका कुछ करते नहीं हैं क्योंकि या तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है या फिर हम उन्हें पहनकर बोर हो जाते हैं। तो ऐसी साड़ीज का हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो डेफिनेटली आइडिया है कि आप उन साड़ीज को कुछ न्यू आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे रीयूज के आइडियाज एंड रीयूज के वीडियोस मिल जाएंगे और एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे रीयूज फैशन के नाम से, तो उसमें वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जो लोग रेगुलरली आते हैं उन्हें डेफिनेटली ये पता ही होगा एंड जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो उस प्लेलिस्ट को आप डेफिनेटली चेकआउट करना एंड अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं तो प्लीज उन वीडियोस को लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम उन साड़ीज को न्यू आउटफिट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तब हम क्या करें उन साड़ीज का। तो मेरे हिसाब से हम उन साड़ीज को कोई न्यू लुक दे सकते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत ही इजी रीयूज आइडिया शेयर किए थे आपकी पुरानी साड़ी को न्यू लुक देने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए नहीं, न्यू लुक देने के लिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज थे और बहुत ईजी थे, आप उन्हें घर पर कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको अपनी एक पुरानी साड़ी को रीयूज करके उसे एक न्यू लुक दूंगी, उसको कन्वर्ट नहीं करने वाली हूँ, उसे एक मैं न्यू लुक देने वाली हूँ और एक बहुत इजी DIY भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फिर उस साड़ी को और उस DIY को एक साथ एंड में आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लुक क्रिएट हुआ है ओवरऑल साड़ी का, बहुत ही प्रिटी डिजाइनर लुक मिल गया है मेरी पुरानी साड़ी को। तो बहुत ईजी रीयूज है और बहुत ईजी DIY है। So stay tuned and let's get started with the video. ये मेरी पुरानी प्योर जॉर्जेट की साड़ी है और ये काफी पुरानी साड़ी हो गई है, तो इसे अब मैं एक न्यू लुक देना चाहती हूँ। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी साड़ी है, ये मुझे साड़ी बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर एक तो बहुत प्रिटी है, प्लस ये प्योर जॉर्जेट की साड़ी है तो काफ़ी अच्छा फॉलिंग फैब्रिक है, भारी फैब्रिक है, तो इसमें ड्रेपिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, प्लीट्स बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुझे लगा कि इस साड़ी को मुझे एक न्यू लुक देके और थोड़े टाइम और पहन लेना चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी कि इस साड़ी का क्या करना है, शायद मैं इसका एक न्यू आउटफिट बना लूँ। सेम यही रेड साड़ी के साथ मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में परफेक्ट साड़ी ड्रिपिंग ट्रिक बताई थी और स्टाइल किया था इस साड़ी को एक डिफरेंट तरीके से। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट लेटर। ये एक पर्ल टैसल की लेस है और ये पूरा एक 9 मीटर का रोल आया था। इस लेस को मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया था, उसका नाम है द डिज़ाइन कार्ट और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेस है, इसके पर्ल्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही प्रिटी लेस है ये और इस लेस को मैंने पहले भी अपने एक पुराने ब्लाउज में यूज़ किया है और उसे एक न्यू लुक दिया। ये मैंने इसको इसके स्लीव्स में ये पर्ल टैसल की लेस लगाई है और बहुत ही प्रिटी लुक दिया मैंने अपने इस ब्लाउज़ को और साथ में मैंने एक बेल्ट भी बनाई थी DIY बेल्ट। तो एक बॉर्डर लिया था मैंने और उसमें ये वाली सेम टैसल वाली लेस मैंने लगाई थी। तो ये एक अपनी साड़ी या लहंगे के साथ जो वेस्ट बेल्ट होती है वो मैंने बताई है। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, आप बाद में ज़रूर देखना। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और ये लुक दिखाया था जिसमें मैंने ये ब्लाउज और ये बेल्ट पहन के पूरा लुक एक दिखाया था। अच्छा, ये टैसल वाली लेस का पूरा 9 मीटर का रोल आया था, तो ब्लाउज और बेल्ट में थोड़ा बहुत ही काम आया, लगभग शायद 1-1.5 मीटर काम आया होगा और अभी ये पूरा का पूरा बाकी है। तो मैंने सोचा कि इसी लेस को मैं अपनी वो पुरानी वाली साड़ी जो भी मैंने आपको दिखाई तो मैं उसमें लगाकर और उस साड़ी को एक डिजाइनर लुक देती हूँ। और इस तरह की जो टैसल वाली साड़ीज होती हैं तो वो अभी बहुत ट्रेंड में भी हैं और वो बहुत ही प्रिटी भी लगती हैं और एक डिजाइनर लुक देती हैं, यूनिक लुक देती हैं। तो मैं इसे लगाऊंगी और दिखाऊंगी आपको साड़ी पे कैसी लग रही है। ओके, ये जो टैसल वाली लेस है वो मैं अपने साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन में ही लगाने वाली हूँ और वो भी बाहर की तरफ। जैसे ये मेरा पल्लू आएगा यहाँ पे, ठीक है, साड़ी का, तो उसको मैं इधर वाले पोर्शन में ही लगाने वाली हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा नीचे तक इधर वन साइड पे पल्लू में लगाऊंगी इस टैसल वाली लेस को। तो लगभग 3 मीटर के आसपास वो लेस लगेगी। पूरी साड़ी में ये टैसल वाली लेस देने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि जब हम फ्रंट प्लीट्स लेंगे तो वो नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाएगा और हो सकता है आपकी प्लीट्स अच्छी ना आए और वो इतना अच्छा लुक नहीं देगा भी नहीं। और जब हम वॉक करेंगे तो हो सकता है कि हमारे फ्रिक्शन से वो टकरा के वो मोती टूट जाए, गिर जाए, तो कोई सेंस बनता नहीं है पूरी साड़ी में ये लेस लगाने का। तो ये लेस आप खुद घर पर भी लगा सकते हैं अगर आपको सिलाई आती है तो, वरना ऑल्ट्रेशन वाले के पास जाकर लगवा सकते हैं, सस्ते में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने ये टैसल वाली लेस अपनी साड़ी में लगा ली है। तो मैंने ये पल्लू वाले पोर्शन में इस तरह से बाहर ये हैंग होते हुए ऐसे लगाई है और मतलब इतना सा करने से ही मेरी साड़ी को बहुत ही प्रिटी लुक मिल गया है, एकदम न्यू लुक में कन्वर्ट हो गई है साड़ी। तो ये मैंने ऐसे पल्लू वाले पोर्शन में यहाँ पे आप ये देखिए ऐसे लगाई है और मैंने यहाँ इसमें भी लगाई है, लोअर पोर्शन जो पल्लू का एंड वाला पोर्शन होता है तो मैंने यहाँ पर भी लगाई है। तो ये जब इस तरह से हम पल्लू लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा साड़ी का। तो ये बहुत ही प्रिटी लुक मिल गया मेरी साड़ी को। ये टेस्लोरी लेस लगाने से इस साड़ी को एक डिजाइनर एलिमेंट मिल गया है। तो मैंने सोचा कि इस साड़ी को एक यूनिक वे में स्टाइल करते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न एलिमेंट भी मुझे नहीं देना है इस साड़ी में। तो मैं इसको एक कंटेम्प्रेरी वे में स्टाइल करना चाहती हूँ। तो मैं इस फ्लोरल प्रिंटेड ब्लाउज के साथ इसको स्टाइल करूँगी। ये ब्लाउज मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है, ये एक सीक्वेंड फैब्रिक है, प्रिंटेड सीक्वेंड फैब्रिक है, तो इससे मैंने ये ब्लाउज बनाया है। तो मैं इस ब्लाउज के साथ इस साड़ी को मैं स्टाइल करने वाली हूँ और वो जो DIY अभी आपको मैं दिखाऊंगी तो उस DIY के साथ इसको मैं स्टाइल करूंगी। ओवरऑल बहुत ही प्रिटी और हटके एक कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल साड़ी लुक क्रिएट हुआ है। एक और बहुत सिंपल आइडिया है अपनी पुरानी साड़ी को न्यू लुक देने के लिए। आप कोई लेस या बॉर्डर अपनी पुरानी साड़ी पे चारों तरफ लगा सकते हैं। ये मेरी एक प्लेन फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी है, इस पर कोई वर्क कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही प्लेन साड़ी थी। तो इसको मैंने ऐसे बहुत बार पहना है क्योंकि ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। जॉर्जेट की साड़ी है, इसमें इतने प्रिटी से ये रोज फ्लावर्स बने हुए हैं, तो इसको आप ऐसे भी पहनेंगे किसी कॉन्ट्रास्ट कलर के ब्लाउज के साथ तो ये बहुत अच्छी लगेगी। पर इसको वैसे बहुत बार पहनने के बाद मुझे लगा इसे कुछ एनहांस करना चाहिए और एक डिजाइनर एलिमेंट ऐड करने के लिए मैंने ये जरी का स्कैलॉप लेस चारों तरफ इसमें लगाया है और बैक साइड से इसको ये पिंक सैटिन फैब्रिक से इसकी फिनिशिंग दी है क्योंकि इसमें ये ब्लश पिंक के फ्लावर्स थे। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट ऐड हो गया है और जब इस साड़ी को मैं पहनती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है, एक डिजाइनर साड़ी जैसा फील आता है। और जब पल्ला ऐसे गिरता है और बैक साइड से दिखता है तो वो जो सैटिन का इसमें ये फैब्रिक है तो एक बहुत ही फिनिश्ड लुक आता है और वो कॉन्ट्रास्ट जो शेड आता है उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है आपकी साड़ी का। तो आप इस तरह से भी अपनी साड़ीज को रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि ये मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है आप सबको कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि ये रेडीमेड कुर्ता है कि एक पुरानी साड़ी को रीयूज करके बनाया हुआ है? इसका वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इस कुर्ते का और उसमें सारी डिटेल्स दी थी, तो देखना आप मेरे चैनल पे, शायद आपको मिल जाए ये वाला वीडियो। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये आपको क्या लगता है इस कुर्ते के बारे में, कि ये एक आपको रीयूज वाला एलिमेंट लग रहा है कि ये आपको एक रेडीमेड कुर्ता लग रहा है। डू लेट मी नो। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रिटी और इजी DIY नेकलेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत इजी DIY है, आप इजीली उसे घर पर बना सकते हैं और उसका सारा मटेरियल मैंने डिज़ाइन कार्ट वेबसाइट से परचेज किया है और मैं भी कोई प्रोफेशनल ज्वेलरी मेकिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मैंने इस तरह से मटेरियल मंगाया है कि इजीली मुझसे एक नेकलेस बन पाए। तो आप इस DIY को देखना और अगर आप भी मेरी तरह हैं जिन्हें ज्वेलरी बनानी नहीं आती है तो आई एम श्योर आप इस तरह का कोई बीड्स नेकलेस तो अपने लिए आप बना ही सकते हैं। सबसे पहले मैंने रेड ग्लास बीड्स लिए हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बीड्स हैं, काफ़ी हैवी हैं तो इनसे पता चलता है कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और फिर मैंने ये गोल्ड चेन ली है जिसमें बीच में ये वाइट कलर के पर्ल्स हैं, ये भी बहुत ही प्रिटी और अच्छी क्वालिटी की चेन है। अब मैं इन रेड बीड्स को इस चेन में कनेक्ट करूँगी, तो इसके लिए मैं इन हेड पिन्स की हेल्प से ये करूँगी। एक्चुअली मैं कोई ज्वेलरी मेकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जैसा मैंने पहले मेंशन किया, इसलिए मैंने वही मटेरियल मंगाए जिससे मैं इजीली एक नेकलेस बना पाऊँ। वरना जिन्हें बहुत अच्छे से प्रोफेशनली ज्वेलरी मेकिंग आती है तो वो इस डिज़ाइन कार्ट वेबसाइट से मटीरियल परचेज कर सकते हैं, बहुत वैरायटी के मटीरियल्स मिल जाएंगे इस पर। तो मैं ये हेड पिन्स को बीड्स में इंसर्ट करके और प्लायर की हेल्प से चेन के हर एक सेक्शन में ट्विस्ट करके लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप सारे बीड्स लगा लें चेन में। ये सारे रेड बीड्स लग गए हैं और हमारा नेकलेस ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट स्टेप बाकी है, हम एक रेडीमेड डोरी लेंगे जिसमें एंड में क्लैस्प हैं, तो वो क्लैस्प हम चेन के एंड में लगा देंगे और हमारा नेकलेस बिल्कुल रेडी हो गया है। सो इजीली मैंने ये DIY नेकलेस घर पर ही रेडी कर लिया है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इस नेकलेस को मैं अभी साड़ी के साथ एंड में स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ, बहुत ही प्रिटी लुक क्रिएट हुआ है। तो डिज़ाइन कार्ट वेबसाइट पे सब तरह के फैब्रिक्स मिल जाएंगे और लेसेस, बॉर्डर्स, लटकन्स और टैसल वाली लेसेस, ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड सारे आइटम्स मिल जाएंगे जैसे बीड्स हो गई, चेन्स हो गए, स्टोन्स हो गए, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन कार्ट वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैंशन कर दूंगी एंड डू चेक इट आउट। और और अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो मेरा डिस्काउंट कोड अमिता क्रिएशंस 10 आप यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ इज एवरीथिंग लुकिंग टुगेदर। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं। स्टाइलिंग मैंने कंटेम्प्रेरी रखी है। रेड बीड्स नेकलेस ट्रेडिशनल स्टाइल का नहीं है, इसीलिए सिर्फ रेड बैंगल्स पहनी है। गोल्ड ट्रेडिशनल कड़े नहीं पहने और झुमके भी थोड़े स्टाइलिश हैं। उन पर फ्लोरल पेंट हो रहा है, वो मेरे ब्लाउज के साथ काफी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। वेस्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक गोल्ड वेस्ट बेल्ट पहनी है। ये एक DIY वेस्ट बेल्ट है जो मैंने ही बनाई है। इसे भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इसको किस तरह से हम घर पर ही बना सकते हैं। So folks, that's all for today. Hope मेरे ये ideas और ये old सारे reuse look आपको अच्छा लगा। Let me know in comments आपका क्या कहना है, और अगर आपको कोई कमी लगती हो तो मुझे बताइए। Do like the video, bye bye and see you soon in my next.